हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप देख रहे क्वेश्चन नंबर आपके हो गए थे 14 तक, तो आज आपके स्टार्ट हो रहे हैं 15 और 16 दो लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसके बाद आपकी यूनिट एंड हो जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अननोन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवलोकन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। कह रहा है जो कार द्वारा लिया गया है उस समय हमें ज्ञात करना है। देखते हैं, एक सीधा राजमार्ग, तो ये हमारे पास सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद, तो ये हमारी मीनार हो गई। ये राजमार्ग हमारे पास जा रहा है कहां तक है, मीनार तक। ठीक, ये हमारे पास मीनार और ये हमारा क्या हो गया राजमार्ग अर्थात रास्ता। तो कह रहा है सीधा राजमार्ग पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी, यहां पर एक खड़ा एक आदमी एक कार को देखता है, यहां पर एक कार को देखता है जो कि क्या कह रहा है 30 डिग्री के अननोन कोण पर, तो अननोन कोण बनाएंगे। ये 30 डिग्री का होगा, यहां पर भी हमारा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो आगे कह रहा है जो कि मीनार के पाद की ओर, अब यहां से कार जो हमारे पास यहां पर है कह रहा है मीनार की ओर, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का आनवन कोण, यहां से चला 6 सेकंड बाद कार का आनवन कोण 60 डिग्री हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया अब 60 डिग्री का हो गया 60 डिग्री। तो यहां से ये हमारा कितने का बनाएगा 60 डिग्री, ये 6 सेकंड बाद। ठीक, अब क्या कह रहा है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक, इस बिंदु से मीनार के पाद, ये जो हमारा बिंदु है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे क्या नामकरण का ए बी सी डी, तो हमें पहले जो कोण हमें पता है वो कोण को लिखेंगे, लिखेंगे हल अवनमन कोण पहले लिख लेते, कोण को से अवनमन कोण बराबर, दो कोण हमारे पास एक 30 का 60 का, तो हमारा ए डी बी या ए बी डी, तो लिखेंगे हमारे पास क्या हो जाए थीटा बराबर या कोण ए बी डी बराबर 30 डिग्री और कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री, ए बी सी बराबर 60 डिग्री। ठीक, दो कोण हमारे पास हो गए, एक ये हो गया 60 का और दूसरा 30 का। अब हमारे पास कह रहा था ये हमारे मीनार की ऊंचाई से, मतलब नहीं मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है कि सी और बी, यानी कि यहां इस वाले बिंदु से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। 6 सेकंड हमारे पास यहां तक है, तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन फिर से। कह रहा है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय या मीनार तक पहुंचने का कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या, हमारे पास दिया है तो लिखेंगे, अब ये लिखेंगे सी डी बराबर कितना दिया हमारे पास 6 सेकंड, सी डी बराबर 6 सेकंड। अब हमारे पास बीसी हमें क्या करना है ज्ञात करना है, तो बीसी हमें ज्ञात करना है 6 सेकंड में कार द्वारा क्या हो गया हमारे पास सी डी, जो 6 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी, ये हो गया सी डी जो दिया गया, सी डी 6 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी हमारे पास हो गई। अब हम लिखेंगे त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, एबीडी में हमारे पास क्या दिया हुआ है ए बी और हमारे पास क्या हो जाएगा ये आधा कितना हो जाएगा बी डी, तो हम लिखेंगे 10 30 बराबर क्या हो जाएगा ए बी अपान पूरा क्या हो जाएगा बी डी, 10 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी अपान क्या हो जाएगा बी डी, त्रिक पूरा करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा बी डी बराबर कितना आ जाएगा √3 ए बी, समीकरण नंबर एक। अब त्रिभुज अगला ए बी सी करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में
एबीसी में हमारे पास क्या हो जाएगा, एबी में टेन बार सिक्सटी हो जाएगा, एबी अपॉन क्या हो जाएगा बीसी, तो टेन सिक्सटी डिग्री बराबर एबी अपॉन बीसी क्या हो जाएगा, एबी अपॉन बीसी। टेन साठ का मान कितना होता है, रूट तीन बराबर क्या हो जाएगा, एबी अपॉन इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा वन। अब करेंगे क्या, ये पूरा करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा एबी, इधर पूरा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या ए बी बराबर, या फिर इस तरीके से कर लें ये हमारा कहां जाएगा बीसी बराबर निकालें, तो बीसी बराबर हमारे पास क्या जाएगा रूट तीन हमारा इसके अपान में आएगा, तो हो जाएगा वन अपान रूट थ्री ए बी। ठीक, अब क्या लिखेंगे समीकरण नंबर दो, समीकरण एक और दो से बी डी और ये हमारा क्या हो जाएगा अपान क्या जाएगा बी सी बराबर क्या हो जाएगा रूट तीन ए बी अपान में क्या जाएगा वन अपान रूट थ्री ए बी। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, हमारे पास कह रहा था तो हम करेंगे क्या, ये हमारा बी डी अपान बी सी ऐसे ही रखेंगे, अब रूट तीन ए बी दिया ए बी हमारा कैंसिल, अब ये हमारा रूट तीन ऊपर गुड़े में जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा रूट तीन गुड़े रूट तीन अपान में क्या जाएगा वन, रूट तीन जुड़ा क्या होती है तीन, तो अब हमारे पास क्या जाएगा बी डी बराबर बी डी अपान बी सी बराबर तीन इसके नीचे क्या है वन। तो अब क्या करेंगे, तीन गुड़ा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी डी बराबर क्या हो जाएगा थ्री बी सी। ठीक, बी डी बराबर थ्री बी सी, अब क्या करें बी डी हमारा क्या है बी डी, अब तोड़ेंगे इसको बी डी को तो हमारे पास क्या जाएगा लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, क्या लिख सकते हैं बी डी बराबर होता है बी सी प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास सी डी, ये रखेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा बी सी प्लस सी डी बराबर थ्री बी सी, बीसी दूसरे पास ले चलेंगे सी डी बराबर निकालना है क्योंकि हमें निकालना क्या है सी डी बराबर, तो हमारे पास क्या जाएगा सी डी बराबर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थ्री बी सी माइनस क्या जाएगा बी सी, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा थ्री बी सी से बी सी जाएगा क्या हो जाएगा टू बी सी, हमें निकालना क्या है ध्यान रखना बी सी, तो क्या करें बी सी को रोकेंगे दो हमारे गुड़े में दूसरे पास कहां जाएगा भाग में, भाई थ्री बी सी से बी सी जाएगा तो हमारा टू बी सी बचा है, टू हमारा कहां चला जाएगा दूसरे बच्चे में डिवाइड में, तो हमारे पास आ जाएगा बीसी बराबर लिख सकते हैं वन अपान टू सी डी, बीसी बराबर क्या हो गया हमारे पास वन अपान टू सी डी। तो अब बीसी वन निकल रहा है, क्वेश्चन कह रहा था हमारे पास कार पाथ तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय हमें ज्ञात करना है, तो हम करेंगे क्या लिखा हमारे पास है हाँ, तो अब लिखेंगे वन अपान टू सी डी हो गया, तो अब इसको यहीं पर हम क्या करेंगे आगे क्वेश्चन लिखेंगे बीसी द्वारा चली गई दूरी, बीसी द्वारा द्वारा चली गई दूरी ये भी निकालना। ठीक, सी डी का मान कितना हमारे पास दिया छह सेकंड, तो हम करेंगे क्या बराबर यहां पर लिखेंगे या बीसी बराबर क्या लिख सकते हैं वहां पर लिखा जाएगा बीसी बराबर निकालना आप सी डी के जब मान कितना रखेंगे छह सेंटीमीटर छह सेकंड सॉरी, तो हमारे पास आ जाएगा बीसी बराबर तो दिया वन अपॉइंट टू, क्वेश्चन फिर से लिख वन अपॉइंट टू सी डी, अब सी डी का मान कितना दिया छह सेकंड, तो बीसी बराबर हो जाएगा वन अपॉइंट टू गुड़े में हमारे पास क्या आ जाए छह, दो कम दो दो तीन छह, तो बीसी बराबर कितना हमारे पास आ जाएगा तीन सेकेंड, क्योंकि मात्र क्या चल रहा था हमारे पास सेकेंड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा तीन सेकेंड, तो लिखेंगे अतः अतः मीनार के पाद तक पहुंचने में अतः मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय लिया गया समय तीन सेकेंड होगा, टोटल की बात करें छह और तीन कितने हो जाएंगे नौ सेकेंड, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो गया। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमें क्या करना है, एक मीनार दिया गया है ये और इसकी ऊंचाई 6 मीटर हमारे पास दी हुई ऑलरेडी। ठीक, कह रहा है कि हमारे पास मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, मीनार के आधार, ये आधार हो गया सरल रेखा, हमारे पास स्ट्रेट लाइन ये हो गई हमारे पास एक सरल रेखा। ठीक, कह रहा है एक सरल रेखा 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए, सरल रेखा कह रहा है 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, तो इससे कह रहा है 4 मीटर, पहले कह रहा है तो 4 मीटर मान लेते हैं हमारे पास ये है, 4 मीटर की दूरी हमारे पास ये हो गई। अब इसी बिंदु से कह रहे हैं 9 मीटर की दूरी, तो 9 मीटर की दूरी है तो यहीं से हमारे पास 9 मीटर तो आएगा। कह रहा है 4 का यहां से यहां तक बिंदु तक 4 मीटर हो गया, फिर यहीं से यहां तक लास्ट बिंदु जाएंगे तो 9 मीटर हमारा होगा, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 9 मीटर। तो ये बिंदु हो गया। अब कह रहा है कि हमें क्यों इतने दिया गया है, और कह रहा है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर थी, ये दिए तो कह रहा है ये प्रूफ भी करवा रहा है कि एच बराबर 6 आएगा या नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास दो बिंदु हो गए। अब यहां पर हमारे पास थीटा का मान दिया नहीं है, ए बी सी डी, तो ये हमें क्या करना है, मानेंगे थीटा ये हो गया हमारा कोण, पहला कोण हमारे पास क्या हो गया थीटा, ये हमारे पास क्या मान लेंगे 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमारे पास ये संपूर्ण त्रिभुज होता है, संपूर्ण त्रिभुज कितना होता है 90 का, तो ये हमारा कितने का 90। अब ये हमारा पहला कोण कितना दिया, थीटा दिया, तो 90 से हम क्या करेंगे थीटा हटा देंगे, तो हमारे पास क्या निकल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास क्या जाएगा, ये हमारे पास दिया नहीं, ये हमें सिद्ध करना है, तो यहां पर क्या मानेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक, ये हमारे पास क्या करना, अब हमें ये निकालना है cd बराबर निकालना है। तो क्वेश्चन कह रहा है cd बराबर निकाल, cd बराबर निकालना क्या कह रहा था, 6 मीटर में ये प्रूव करने से मतलब नहीं हमारे पास है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम, लेकिन माना कोण हमारे पास ए बी डी बराबर थीटा और ए बी सी बराबर कोण ए बी सी बराबर 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा हमारे पास इतना दिया गया है। अब हम करेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना क्योंकि मीनार की ऊंचाई में प्रूव करा रहा है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर बराबर। ठीक, अब लेंगे ए बी डी त्रिभुज, ए बी डी में तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी डी में tan 30, क्योंकि हमारे पास लंब ए बी है और हमारे पास क्या हो जाएगा बी डी, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी अपान में क्या हो जाएगा बी डी, देख लीजिए ए बी अपान में क्या हो गया, ए बी अपान में बी डी, तो लिखेंगे टेन थीटा दिया ए बी अपान बी डी, तो हमारे पास क्या दिया है बी डी कितना दिया है 9, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर ए बी, ये इधर हमारे पास कितना ए बी का मान कितना है एच, अपान में क्या जाएगा 9, सेकंड नंबर ए। दूसरा त्रिभुज लेंगे हमारे पास क्या जाएगा ए बी सी, ए बी सी में तो हमारे पास क्या जाएगा ए बी अपान कितना जाएगा बी सी, टेन अब कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा बराबर हमारे पास क्या जाएगा ए बी अपान में क्या जाएगा बी सी, तो हमारे पास टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमने पढ़ा था टेन 90 माइनस थीटा ए एच टी सी जो हमने बताया था, ए आर प्लस इसमें हमारे पास था साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इसमें हमारे पास क्या था ए एस टी सी, इसमें टेन और कॉट, और इसमें हमारा क्या था कास और से, तो हमारा इसमें क्या था 90 माइनस थीटा के लिए, इसमें 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, इसमें हमारे पास क्या था 180 प्लस थीटा और हमारे पास क्या 270 माइनस थीटा, इसमें हमारे पास क्या था 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, फिर इधर हमारा आ जाएगा 360 प्लस थीटा के लिए, तो हमने कहा 90 माइनस थीटा जाए, इसमें सभी छह निष्पत्तियां, हमारे छह निष्पत्तियां कैसी होती हैं प्लस होती हैं, तो 90 माइनस थीटा, और इसमें क्या होता है हमारे पास साइन का किसमें चेंज होता है, कास का कास में चेंज, कास का साइन में, टेन का काट में, काट का टेन में, सिक का कासिक में और कासिक का
सिक में, ठीक, कासिक कक्ष में जाएगा सिक में, तो हम क्या करेंगे इसमें बच जाएगा 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, तो 10 किसमें चेंज जाएगा हमारे पास काट में, तो यहां पर क्या जाएगा काट थीटा, क्या हो जाएगा काट थीटा बराबर ए बी का मान कितना दिया हमारे पास एच, बी सी हमारे पास कितना दिया चार, तो अब क्या कहें सेकंड नंबर दो, ठीक है आगे देखते हैं समीकरण एक और ये समीकरण दो, समीकरण एक और दो की गुणा करने पर, समीकरण एक गुणे दो, तो अब हमारे पास क्या जाएगा टेन थीटा गुणे काट थीटा बराबर एच अपान नाइन गुणे क्या जाएगा एच अपान फोर, तो टेन अब इसमें ए को चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा टेन थीटा गुणे काट को चेंज के काट का क्या होता है वन अपान टेन थीटा बराबर क्या होता है एच अपान नाइन, तो एच एच की गुणा एच स्क्वायर नौ चौ छत्तीस, टेन टेन खत्म, तो यहां पर क्या हो जाएगा वन बराबर एच स्क्वायर अपान थर्टी थ्री, तीन गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर कितना जाएगा छत्तीस, एच बराबर निकालना है तो जाएगा रूट छत्तीस, तो एच बराबर क्या हो जाएगा छह गुणे छह जुड़े से एक बार, तो एच बराबर कितना जाएगा छह मीटर, और हमारे पास कितना प्रूफ कर रहा, कह रहा था छह मीटर में दिया है प्रूफ करना, तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई छह मीटर होगी, ठीक।